पेपर्स पर साइन करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो बैंक तुम्हारे साथ क्या करेगा उसके लिए सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। और तुम्हारे डैड मिस्टर राकेश लूथरा, जिन्होंने इतना बड़ा बिजनेस सेट किया है, उनको काफी बुरा लगेगा ना जानकर कि उनकी खुद की बेटी ने उनका इतना बड़ा लॉस करवा दिया। इसलिए मिस निवेदिता लूथरा, बेहतर है कि मुझसे बिना बहस के तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, वरना बैंक तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी सीज कर देगी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहती हो। वैसे साइकेट्रिस्ट की बात सुनकर तो मुझे यही लगा कि तुम पास्ट में भी कोई बहुत गलत रास्ता चुन चुकी हो। किसी के साथ बहुत बुरा किया है तुमने। अब क्या पता तकदीर ने शायद मुझे चुना हो तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा देने के लिए। मैं ये तो नहीं जानती कि एग्जैक्टली तुमने किसके साथ क्या किया है, लेकिन जो भी किया है बहुत बड़ा और बहुत गलत किया है। खैर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इन पेपर्स पर साइन कर दो, अभी तो मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। फास्ट, पर इससे पहले मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी। श्योर, तुम्हें जिससे जाकर बात करनी है करो, क्योंकि मैं यहाँ से सीधे बैंक जा रही हूँ। अम्बिका जी, अम्बिका जी, आप प्लीज ना ऐसे नाराज होकर मत जाओ। मुझे एक मिनट, आप चाय पियो जी, आप चाय पियो। चाय पीने से ना थोड़ा गुस्सा भी कम हो जाता है। और जी, आप ना निवेदिता जी के साथ ऐसा मत करो जी, अगर उन्होंने ऐसा कहना जो हम सड़क पे आ जाना जी, आप थोड़ी सी चाय पी लो जी। किधर है वॉशरूम? मुझे उस तरफ है जी, मुझे वेरी सॉरी है जी, मुझे गलती हुई। मम्मी जी, मुझे लगता है ऊपर वाले ने ना देविका को पुनर्जन्म दिया है ताकि आपसे और निवेदिता से बदला ले सके। भाई, पुनर्जन्म कैसे हो सकता है भाई? उसमें तो बड़ा टाइम लगता है। वो ये अंबिका कोई 20-25 साल बाद थोड़ी आई है, वो ये तो देविका के मरने के 9 महीने बाद आ गई है ना। 9 महीने, 9 अवतार। मम्मी जी, इसका मतलब ना अंबिका देवी माँ का रूप है, और देवी माँ ना 10वां अवतार लेकर आपको आपके किए की सजा देने आई है। श्वेता, अब मैं क्या करूं? जिस दिन मैं रवि उसकी फैमिली के साथ अम्बा जी माँ के दर्शन करने गुजरात गई थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। आखिर मिस लूथरा क्या कहने जा रही थी, और उनकी इस हालत का कनेक्शन देविका की मौत से कैसे हो सकता है? जब से अंबिका हमारी लाइफ में आई है, मिस लूथरा पर पागलपन के दौरे पड़ते जा रहे हैं। क्यों है ऐसा? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हिप्नोटाइज होकर मिस लूथरा कोई बहुत बड़ा राज मेरे सामने खोलने वाली थी जो मुझे नहीं मालूम। मिस लूथरा के लिए तो वो एक मामूली सा ट्रिप था, तो फिर क्यों मिस लूथरा उसे अपनी जिंदगी का सबसे यादगार और सबसे नेगेटिव दिन मानती है? मिस लूथरा देविका को अपने रास्ते की दीवार मानती थी, तो फिर उस हिसाब से तो उन्हें खुश होना चाहिए। फिर क्यों उनका दिमाग आज तक देविका की मौत में उलझा हुआ है? ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो मुझे नहीं मालूम? साक्षी का कमरा। मैं एक बार साक्षी के कमरे में जाकर उससे मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। बहुत मन कर रहा है मेरा, पर कैसे जाऊँगा? किसी ने अगर मुझे साक्षी के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर वहाँ जाने का क्या बहाना बनाऊँगी मैं? लेकिन क्या करूँ, साक्षी को मिले बिना चैन भी नहीं आएगा मुझे। क्या करूँ, कैसे देखूँ अपनी बहन को? साक्षी दीदी, खाना और दूध तो मैं भूल ही गई, अभी लाती हूँ। ये
खाना देकर गई है। इसका मतलब एक घंटे से पहले तो वापस नहीं आएगी। साक्षी देखना मेरी तरफ, मैं वो कल भी है इतना तुझसे मिलने के लिए या इस कमरे में याद कर। देख मेरी तरफ, मैं तेरी तेरी देवी का दी याद करना, पक्का तुझे याद आएगा। मैं तुम्हें देख कर नहीं हो सकती। साक्षी मैं तेरी देवी का दी हूँ। मैं तेरी बहुत परेशानी है, मुझे बहुत देखने दे, इसी में तुझे आएगी। जल्दी से यहाँ से निकल जाए, और तू देखना अब तुझे ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ से वो तुझे बाहर लेकर जाएंगे। तुम कितनी लापरवाह हो, इसे ऐसे ही खुला छोड़ के चली गई। अगर ये कहीं भाग जाती तो तुम्हारी मैडम तुम्हें नौकरी से निकाल देती। जाओ ध्यान रखो उसका। कौन थी ये? क्या ये देविका है? वही साक्षी को इतना प्यार से सोचेगी? उसकी बहन जो है अंबिका भी साक्षी को इतना प्यार करेगी, इतने प्यार से खिलाएगी? और हाँ, उसकी आंखें भी कुछ भीगी सी थी। रब करे देविका ही हो और अपनी बहन को बचा कर यहाँ से ले जाए, मुझे तो बहुत खुशी होगी। फिर निवेदिता मैडम के गुस्से की ऐसी की तैसी, भले निकाल दे मुझे काम से, मैं नहीं डरती उस पागल औरत से। अरे मौंडी जीजू आइए। हेलो, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? आज ऑफिस में छुट्टी थी क्या? आइए बैठे ना। हाँ, एक्चुअली वो ऑफिस के कुछ काम से ही पास में आया था। हाँ। तो सोचा रेखा आंटी जी का हाल चाल पूछ लो। तो आंटी जी नहीं दिख रही है, कैसी तबीयत है उनकी? माँ आप ठीक है, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है, वो किसी काम से गई है। इनफैक्ट घर पे कोई भी नहीं है। अब क्या करूं? यहाँ तक आ गया हूँ तो खाली हाथ नहीं जा सकता। मैं यहाँ देविका की उंगलियों के निशान ढूंढने आया हूँ, और वो मुझे यहीं पर मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा घर तो पूरी तरह से जल चुका है। उसकी खोई हुई बहुत सी चीजें होंगी यहाँ पर, हो सकता है कोई काम की चीज मिल जाए। क्या हुआ जीजू? नहीं पल्लवी कुछ नहीं, रेखा आंटी के बारे में सोच रहा था। लेकिन पल्लवी तुमने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया? तुम भी चली जाती ना उनके साथ? मैं जरूर चली जाती, लेकिन मुझे क्लासेस के लिए जाना था। वैसे जीजू साक्षी कैसी है? उसके हाल में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ? अब क्या बताऊं पल्लवी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वैसे जीजू आप भी एक हो जिसे उसे ठीक कर सकते हो, हम सब उसे बहुत मिस करते हैं। अच्छा पल्लवी, तुमने नई नौकरी ज्वाइन किया ना, तो तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी, रोज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुड, मतलब तुम्हें और आंटी जी को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बता देना, मैं तुम लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ। थैंक्स जीजू, लेकिन एक ही इंसान है जो माँ के सारे दुख दूर कर सकता है, और वो है देविका दी। रियली जीजू, माँ दी को बहुत मिस करती है। इनफैक्ट रोज सोने से पहले उनकी फोटोज देखती है, और तो और उनकी पर्सनल डायरी भी अपने पास ही रखती है, किसी को पढ़ने नहीं देती और ना ही खुद पढ़ती है, बस ऐसी ही देखती रहती है। सॉरी जीजू, बातों बातों में आपसे चाय के लिए पूछना भूल गई। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कोई नहीं,
देविका की पर्सनल डायरी? वाह, मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए थी उसके फिंगरप्रिंट्स के लिए। पल्लवी ने तो मेरा पूरा काम ही आसान कर दिया। मुझे उस डायरी से देविका के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे पक्का। मुझे किसी भी तरह से वो डायरी चुरानी ही होगी। एक काम करता हूँ, रेखा आंटी के कमरे में जाकर वो डायरी ढूंढता हूँ। नो मिस्टर बग्गा, डोंट से दैट टू मी। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती, डू यू अंडरस्टैंड दैट? लिसन मिस्टर बग्गा, आप वकील हैं, कानून जानते हैं, तो कोई रास्ता ढूंढ निकालिए। दैट्स योर गॉडडैम जॉब। बैंक वाला से बात कीजिए, किसी भी कीमत पर उन्हें अपनी तरफ करना बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर कंपनी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाना मिस्टर बग्गा, तो मेरी कंपनी ये नुकसान नहीं हैंडल कर पाएगी। मिस्टर बग्गा, यू कैन नॉट लेट दिस हैपन। Do you understand that? मैम देखिए, ये सब रोकने का जो रास्ता है वो आप ही के पास है। मिस रायचंद ने आपको जो पेपर्स भेजे हैं आप उन पर साइन कर दीजिए। जो उन्होंने अपना पैसा डाला है वो वापस लेना चाहती हैं तो आप उन्हें दे दीजिए। देखिए मैडम, कानून के मुताबिक कोई भी इन्वेस्टर अपना शेयर वापस लेना चाहता है तो ले सकता है। हम उसे रोक नहीं सकते और उनको हक है वो बैंक में जाकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगर उनकी दी हुई गारंटी खत्म हो जाती है तो ऑब्वियसली बैंक अपनी गारंटी के लिए आपकी प्रॉपर्टीज ले सकता है। मुझे लगता है कि ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए। आप उनका पैसा वापस लौटा दीजिए। सारा मैटर यही खत्म हो जाएगा। अगर मिस रायचंद बैंक पहुंच गई और उन्होंने अपना स्टेटमेंट फाइल कर दिया तो बैंक भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। ओह शट अप, मुझे कानून मत दिखाइए आप। मैं सब समझती हूँ, निवेदिता लूसरा हूँ मैं किसी के आगे नहीं झुकती। यू अंडरस्टैंड मिस्टर बक्का? आप लॉयर है तो कोई लूप होल ढूंढिए और रास्ता निकालिए। दैट इज योर गॉडडैम जॉब। अगर मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचा तो जो साल में आप लाखों रुपए की फीस मुझसे लेते हैं ना, वो भी आपको मिलना बंद हो जाएगी। मेरे नुकसान के साथ साथ अपने नुकसान के बारे में भी सोच लेना। Got it? तुम्हारी बैंक मैनेजर से बात हुई रवि? नहीं मिस लूथरा, मैंने फोन तो किया था पर उठाया नहीं। आई थिंक मीटिंग में बिजी होगा। ओह गॉड, तो फिर हमें खुद ही वहां जाना होगा। वहीं जाकर उनको हैंडल करते हैं। अगर आमने सामने बैठकर बात करेंगे ना तो इट विल बी बेटर। इट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट रवि, कम ऑन। Let's go. Come. ये सब क्या हो रहा है अचानक और क्यों हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस लूथरा ने रायचंद के घर जाकर जो हंगामा किया, क्या ये सब उसका नतीजा है या फिर कोई और बात है? साइकेट्रिस्ट की बात सुनकर तो मुझे यही लगा कि तुम पास्ट में भी कोई बहुत गलत रास्ता चुन चुकी हो। मैं ये तो नहीं जानती कि एग्जैक्टली तुमने किसके साथ क्या किया है, लेकिन जो भी किया है बहुत बड़ा और बहुत गलत किया है। अंबिका रायचंद ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई में मिस लूथरा ने अपने पास में कुछ गलत किया है? ये हुआ क्या है मुझे? और कुछ नहीं है क्या मेरे पास सोचने के लिए? जब देखो रवि के ख्यालों में खोई रहती हूँ, बार बार उसके साथ बिताए लम्हे ही याद करती रहती हूँ। क्या लगता है वो मेरा क्यों भूल जाती हूँ कि सिवाय दुश्मनी के और कोई रिश्ता नहीं बचा हम दोनों के बीच? एक बार इतना बड़ा धोखा मिला है फिर भी मन नहीं भरा मेरा। माँ एकदम सही कहती है, जब रवि मेरे आसपास होता है ना तो हमेशा कमज़ोर पड़ जाती हूँ। हाँ सच है ये, कभी मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी उसे और उस प्यार को अब भी भूल नहीं पा रही हूँ मैं। तभी तो उसके करीब आने से आज भी अच्छा लगता है मुझे। अब चाहे रवि मेरे कितने भी करीब आए, मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना ही होगा, क्योंकि मैं रवि से नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। और जो कुछ उसने मेरे साथ किया है उसके बाद तो वो इसी लायक है कि मैं उससे नफरत करूँ, उसे कड़ी से कड़ी सजा दूँ। और एक मैं हूँ पागल जो उसके बाहों में गिरते ही पिघल जाती हूँ, उसके करीब आते ही कमज़ोर पड़ जाती हूँ। बस बस अब और नहीं, अब मैं उसके बारे में एक और सेकंड नहीं सोचूंगी। और कितनी बार धोखा खाना है मुझे, एक चीटर को अपने दिल में जगह कैसे दे सकती हूँ? पता नहीं ऊपर वाले ने कि प्यार नाम की फीलिंग बनाई क्यों। नहीं सोचना मुझे उसके बारे में। सॉरी, देखिए वो पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था और आपको चोट तो नहीं आई ना? आई एम रियली सॉरी। एक्सक्यूज मी। नहीं फिकर मत कीजिए, कुछ ज्यादा बड़ी चोट नहीं है। लाडू चाची,
हटो। मेरे लाडो, रब दा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची बिल्कुल सही सलामत है। तुझे पता है, सारी दुनिया ने कह दिया था, घर वालों ने भी कह दिया था कि लाडो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जिंदा ही नहीं है। लेकिन लेकिन मेरा दिल जानता था कि तुझे कुछ नहीं होगा, अम्बे माँ तुझे सही सलामत रखेगी। अरे वाह, और ये सब क्या है? तू तो बहुत फैशन वाली हो गई रे लाडो, इतने सुंदर फैशन वाले कपड़े और तू गाड़ी भी चलाने लग गई। मेरे लाडो, तुझे नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ तुझे देख के। इतने दिन कहाँ रह गई थी तू, क्यों नहीं आई अपने चाची के पास? अब मैं आपको कैसे बताऊं चाची कि मैंने आपको कितना याद किया, कितनी बार मन किया कि दौड़कर आपके पास आऊं और आपसे लिपट कर जी भर के रो। मेरा बस चलता तो मैं आपके हिस्से का हर दुख हर गम अपने सर ले लेती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ चाची, बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। और जो उन निवेदिता लुत्रा है ना, उसने कहा था मुझे उसने तुझे कहीं देखा है, वो मुझे एक जगह लेकर भी गई थी। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी दादी और चाची से बहुत प्यार करती, उन्हें इस तरह सामने देखकर उनसे मिलने के लिए तड़प रही, लेकिन ये सही जगह और सही वक्त नहीं है बेटा। इस वक्त सिर्फ तुम्हें अपने मकसद पर ध्यान देना है, अपने दुश्मनों को सजा कैसे देनी है इस बारे में सोचना है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस वक्त मुझे कितना ही बुरा क्यों ना लगे, लेकिन मैं इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकती। हाय रब्बा, तू घर जा, कितनी सारी बातें तुझे बतानी है। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों आपके साथ घर जाऊंगी? मान लिया कि मेरी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मैं घर क्यों जाऊंगी आपके साथ? अगर आपको चोट आई है तो मैं पैसे दे देती हूँ, बताइए कितने पैसे चाहिए आपको। बेटा, ये क्या बकवास कर रही है, तुझे हो क्या क्या? देखिए बताइए आपको कितने पैसे चाहिए, 5,000, 10,000? लाडो, ये क्या फालतू बकवास कर रही है तू, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। बेटी चाहिए तो जाइए उसको ढूंढिए, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? पैसे दे रही हूँ ना मैं आपको। देख लाडो, मुझे लगता है किसी बात को लेकर तू मुझसे नाराज है। अगर तू अपने चाची से परेशान ना, सुन मेरी बात, अगर तू अपने चाची से नाराज है तो मैं तेरी सारी नाराजगियां लाडो मेरी बात तू सुन। लाडो अपने चाची की बात अनसुनी मत कर, लाडो रुक जा लाडो। I'm sorry चाची, I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसी बेटी हूँ मैं? दुनिया में मुझसे बुरी बेटी किसी की नहीं हो सकती। मैंने अपनी चाची का दिल तोड़ दिया, जो मेरी माँ बनकर मुझे हर तकलीफ से बचाती रही, आज उनको इतना दुख देकर जा रही हूँ मैं। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। I'm sorry चाची, I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर देना। लगने कहा तेरे खांटे में वो डायरी यहीं कहीं रखी है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ रखी है? चले गए। मैं सलमारी की चाबी में कैसे ढूंढूं? उसे ढूंढूं? ये मत लिया।
जीजू